अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। तो चलिए आज बच्चों के पेपर चेक होंगे, देखते हैं क्या क्या किया है बच्चों ने। चेक करने के लिए ली हूँ, देखते हैं कौन से बच्चे को कितने मार्क्स मिलते हैं। वैसे मैंने उनको समझा दी थी, और ऐसा होता है ना कभी बाय मिस्टेकली कोई आंसर सही करना होता है तो गलत हो जाता है, कोई गलत करना होता है तो सही हो जाता है, बाय मिस्टेकली होता है। सो बिकॉज इतना मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेस से होता है, ऐसे कुछ नहीं है, और होता है, सबसे गलतियाँ होती है कभी ना कभी, गलती होती है और एक्सेप्ट करना वही बहुत बड़ी बात है। तो अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पेपर हैं ऐसे, काफ़ी 25 में भी होंगे। तो माशाल्लाह से अभी इनके पूरे चेक होंगे पेपर। और आपको क्या लगता है कि मैं ऐसी ट्यूशन पढ़ाती हूँ बस कुछ भी नहीं, मैं बाकायदा ऐसे पेपर्स वगैरह भी देती हूँ, वर्कशीट वगैरह भी देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग करवाती हूँ मैं अपने ट्यूशन में। तो जैसे उनसे चार्जेस करती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा ही अच्छा उनके साथ गाइड होता है। चले फिर देखते हैं आगे किसको कितने मिले। और वैसे थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने बता दिए थे, समझा दिए थे, बता ही नहीं थे कि इधर ये आएगा ये आएगा, कि ए कहाँ यूज़ होगा, एन कहाँ यूज़ होगा और द कहाँ यूज़ होगा। सो इट्स वेरी इजी, वैसे ही सब पेपर चेक होंगे। तो पता है आज आपको मैंने पेपर वगैरह सब चेक कर ली थी, बट जो मेरे ट्यूशन के बच्चे थे वो भी आके चले गए। तो हम लोग कल गए थे हल्दी मेहंदी में, ज़्यादा करीबी रिश्तेदार क्लोज़ होते हैं तो फिर हमको जाना ही पड़ता है, और काफ़ी रिश्तेदार फिर जुड़ते हैं ना वहाँ पर, कोई भी फैमिली फंक्शन होता है तो सारे फ्रेंड्स और जो हमारे रिश्तेदार हैं जुड़ते, तो अच्छा लगता है सबके साथ उठना बैठना। तो कभी कभार तो सब एक जगह आते हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं, हम लोग शादी की दावत में जा रहे हैं वहीं मिलते हैं। तो चलो अब हम आ गए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए ना, पता है कितने डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर जूस थे काफ़ी, ये देख सकते हो। ये पता है किस चीज़ का जूस है, ये है पुदीने का जूस और मिंट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, काफ़ी अच्छा लगा। ये शादी के अंदर की हॉल देख सकते हो। और ये शादी की ख़ास बात पता है आपको क्या थी, कि लड़का जो था मुस्लिम था और जो लड़की थी नॉन मुस्लिम, तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी शादी हुई। मतलब दोनों उनके जो थे वो नॉन मुस्लिम वो भी आए थे माशाल्लाह से, उसके माँ बाप उसके पेरेंट्स कोई भी ऐसा मतलब गिले शिकवे नहीं थे, सब खुश थे, काफ़ी अच्छा लगा शादी में उन लोगों को भी। तो ये देख सकते हो अभी सब रिश्तेदारी है और क्या होता है। तो चलो बाकी की चीज़ें देखते हैं। ये देखो लड़की की जो माँ है वो इकलौती लड़की है, तो इतना सब कुछ दिया है जो कि लड़के वालों ने मना किए थे फिर भी दिया है। तो अभी हम लोग ने खाना वाना खा लिया, बस निकलने की तैयारी है। एंड में उमर के मैंने पिक्स ली थी कुछ, वो भी पिक दे नहीं रहा था सही से, तो अभी हम लोग जा ही रहे बस, क्योंकि सामान वगैरह सब पैक हो गया है। और ये देख सकते हो दुल्हन भी जा रही है, ये दुल्हन के घर वाले, तो अब हम पहुंच जाएंगे। बॉक्सिंग कर रहा है, क्या लाया है उमर, इसकी दादी ने देखो इसको क्या क्या दिए, क्या ये गज्जा क्या लगता है इसमें, खुरजे की मशहूर खेड़ी व गज्जक, ज़रा खोल के दिखाना उमर कैसा है टेस्ट, उमर को कैसा ना मीठा पसंद है गाइस। मेरे को जो भी मीठा दे दो खाने के लिए, अच्छा है या गंदा है, मेरे को तो मीठा चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं, खोल के देखो क्या है। अरे यार पड़ जाए, मेरी जो चाची सास है ना उन्होंने देख के भेजे शायद, क्योंकि खुर्जा हमारा जो ससुराल है। चलो गाइस बोलो हम किधर से आए हैं, अभी तो हम लोग शादी से आए हैं, हम अदनान भाई की शादी से आए हैं, सलमान भाई, मैं अदनान भाई। देखो टेस्ट बता उमर कैसा है, टेस्ट बता उमर, आ गए हैं शादी की दावत से। अभी हम लोगों ने देखो कितना सारा सामान लेकर आए वहाँ से, गायब करके, गायब नहीं किया हम लोगों को, मिला है ये, दिया है हमको, आयशा वही खा रही है। और अभी मैं यहाँ पर अपना व्लॉग फिनिश करती हूँ, बड़ा मज़ा आया शादी में। तो अभी आप देखना क्या क्या हम लोगों ने इन्जॉय किए, जूस तो इतना सारा पिया हम लोगों ने, जूस ही पिला पिला के पेट भर गया था। और खाने में तो बड़ा ही अच्छा था, ग्रीन वाला सालन था और रेड सालन था, नान था। तो शादी में तो बहुत इन्जॉय किए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।